Students, today we will read first poem, A Photograph, Charlene Tolson. So always remember poems and author's name. Poem name is A Photograph, written by Shirley Tolson. Students, ये जो poem है ये panic poem है. इसमें जो author है और उसकी जो mother है उसके बारे में कहा गया है कि ऑथर अपनी मदर को रिमेंबर करती है और उसकी मदर है वो ऑथर को रिमेंबर करती है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज. कार्डबोर्ड दिखाता है. कार्डबोर्ड मीन्स यहाँ पे फोटोग्राफ. ठीक है, उस फोटोग्राफ में क्या दिखता है. जो ऑथर है उसके पास एक फोटोग्राफ है वो दिखाता है. वेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग. दो कजिन्स हैं किसकी, ऑथर की मदर की, और वो क्या कर रही है, पैडलिंग. पैडलिंग मीन्स होता है वॉकिंग और स्टैंडिंग विद बेयर फिट इन शैलो वाटर. होता है ना कि पैडलिंग मीन्स होता है जब हम समुद्र के किनारे होते हैं तब वो जो पानी आकर हमारे फिट को टच करता है उसको पैडलिंग कहा जाता है. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. अब ऑथर की मदर है और उनकी इमेजिन करो, आपको अच्छे से ये पोएम समझ में आ जाएगी. ऑथर की मदर है और उसके साथ उसकी दो कज़िन हैं, उन्होंने उनका हैंड होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो. और जो ऑथर की मदर है वो सबसे बड़ी है, वो लगभग 12 years ओल्ड है और उनके साथ उनकी दो कज़िन्स भी हैं. ऑल थ्री स्टूड स्टिल इज टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. और वो तीनों समुद्र के किनारे खड़ी हैं और स्माइल कर रही हैं और वहाँ पे जो हवा बह रही है उससे उनके हेयर है वो उसके जो हेयर है वो फेस पे आ रहे हैं. एट द अंकल विद द कैमरा ए स्वीट फेस. और उनके स्वीट फेस पे वो पिक्चर क्लिक करवा रही है किसी अंकल से कैमरे से. माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. एट द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिट फिट. अब वो कहती कि मेरी मदर है वो मेरे बॉर्न से पहले, मेरे बर्थ से पहले बहुत ज़्यादा सुंदर थी. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिट फिट. ट्रांजिट मीन्स होता है टेम्परेरी, कोई चीज़ कम समय के लिए. इन दोनों लाइनों में कहता है कि ये जो ऑथर है ये कहती है कि सी है वो बिल्कुल नहीं बदला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो उसकी मदर थी उसकी एज में वो उसकी एज ज़्यादा हो गई है इसलिए वो चेंज हो गया है. इसलिए ये एग्जांपल देके कहा कि वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिट फिट कि उनके पैरों को समुद्र का जो पानी है वो धो रहा है. नेक्स्ट स्टैंजा. सम 20-30 years लेटर. कुछ टाइम बाद, कितने सालों बाद, 20-30 years लेटर. शी हैड लाफ्ड एट द स्नैप्स ऑफ सी बेटी एंड डोली. अभी बेटी एंड डोली कौन है, कजन ऑफ ऑथर्स मदर. अब वो हंसती है इनको देखकर. अब ऑथर है वो ऑथर की मदर है वो फोटो देखकर हंसती है काफ़ी सालों के बाद. उनकी जो कज़न है उनका नाम है बेटी एंड डोली और उनकी जो पिक्चर है उनकी स्नैपशॉट देख के हंसती है. सी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच. और वो बीच में जो ड्रेस पहनी हुई है उसको देखकर उनका मजाक बनाती है ऑथर की जो मदर है वो अपनी कज़िन का. द सी हॉलीडेज वॉज हर पास्ट माइन इज हर लाफर. और वो उन सी के दिनों को याद करके उसके अंदर खो जाती है. बोथ वेयर मतलब होता है डिसअपॉइंटेड विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. लेबर्ड मीन्स होता है हार्ड वर्क और ईज मतलब ईजीली. तो इस तरह से यहाँ पे देखो दोनों वर्ड एक साथ दिया है कि वो वर्क करती है, वो हार्ड वर्क भी करती है बट ईजीली. तो इस तरह से जो वर्ड आते हैं ना उनको एक्जिमोरन कहा जाता है. ठीक है, तो ये ऑथर की मदर है वो भी ऑथर अपने पास्ट में चली जाती है और जो ऑथर है वो अब दोनों के लिए ही पास्ट है क्योंकि ऑथर है वो अपनी मदर को याद कर रही है क्योंकि उसकी मदर मर चुकी है. अब नेक्स्ट. नाउ सी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स. अब वो मर चुकी है.
as that girl lived and of these circumstances there is nothing to say at all, its silence silences. अब उसकी मदर है, मतलब वो गर्ल अब नहीं रही है, अब कोई भी सरकमस्टांसिस नहीं बची है और ना ही कुछ कहने के लिए है, अब सिर्फ क्या बच जाता है, साइलेंस साइलेंस, चुप्पी में भी चुप्पी, मतलब साइलेंस उसके अंदर भी साइलेंस। ठीक है, आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, आया होगा, और आपको है ना ये अच्छे से पूरा पता होना चाहिए कि कहाँ कौन से पोएम में से है ये, तो एवरी लाइन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, वर्ड मीनिंग क्लियर होने चाहिए, एंड दिस पोएम राइट इन योर नोटबुक, एंड एवरी लाइन इज क्लियर। सो स्टूडेंट, अब मैं आपको एक बार इसकी समरी इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो द पोएम इज डिवाइडेड इन टू 3 स्टेजेस, यू नो। In the first stage, the poet, his mother is standing at the beach, enjoying her holiday with her two girl cousins. She was 12 years old. And in the second stage, about 20-30 years later, the poet described up for the beach holiday, right? In the third stage, the poet remember her mother with a heavy heart. Here, the nostalgic feelings of the poet are reviewed. ठीक है? और लास्ट स्टेंजा में, इन द थर्ड स्टेज द पोइट मिसेस हर मदर नाउ दैट सी इज नो मोर, दैट इज सराउंडिंग विद नथिंग बट एम्प्टीनेस, द साइलेंस ऑफ द सिचुएशन हैज साइलेंस हियर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।